गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद अ चैट पर गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। आज मैं बात करने जा रही हूँ बॉबी देओल। जी हाँ, एनिमल मूवी में इनका बहुत छोटा सा सीन था, बट इनको मैं बोल सकती हूँ कमबैक और इनको फेम ज़्यादा ही मस्त मिला बोल सकती हूँ। एंड देन उसके बाद हाल ही फिलहाल हमें अभी यशराज यूनिवर्स में, जहाँ पे उनका बेस्ट विलन के लिस्ट में नाम भी आया, जहाँ पे ये बोला गया कि एनिमल में ना ज़्यादा फोकस रणवीर कपूर को करना चाहिए था, बट बॉबी देओल हो गए ये फोकस। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बॉबी देओल का कमबैक हो चुका है, जहाँ पे बॉबी देओल हमें नजर आने वाले हैं अनुराग कश्यप का बायोपिक में। जी हाँ, ये जो मूवी है ये उनके लाइफ यानी कि अनुराग कश्यप के लाइफ पे आधारित है ये बोला जा रहा था, बट अभी मुझे ये चीज सुनने को मिल रहा है कि वो एक ऐसे मूवी में नजर आने वाले हैं जहाँ पे कैसे एक इंसान अपने जो तरक्की के रस्ते पे आगे बढ़ता है उस पर कैसे एक रेप का एलिगेशन लगाया जाता है और कैसे वो अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाता है। और ये चीज़ रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। किसका बेस्ड है? अनुराग कश्यप का बायोपिक में बॉबी देओल नज़र आने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि अनुराग कश्यप के बायोपिक में बॉबी देओल नज़र आने वाले हैं, जहाँ पे हाल ही फिलहाल एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने ये बोला था कि जैसे उनके पापा ने ये ट्रेलर देखा था धर्मेंद्र ने, तो ये बोला था हो सकता है ये मूवी से तुम्हें बहुत ज़्यादा फेम मिले या तो ये मूवी पूरा तरीके से जा भी सकती है, जिससे तुम्हारा जो बचा कुचा नाम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे बॉबी देओल ने ये बोला, गट्स फीलिंग आता है कि ये मूवी हिट जाएगी। सो गाइज, आपको इस मूवी पे किसका एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था? मुझे तो द वन एंड ओनली बॉबी देओल। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? Let me know in the comment box. Be with me. Don't forget to subscribe. Tab tak ke liye, ta-ta. Bye-bye.